हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रांट्स ब्लॉग में आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए लेके आई हूँ कोकोपीट ब्रिक्स। ये मुझे 250 रुपीस का मिला है, 5 kg का है। और इसको भिगो देना है, पानी बहुत ज़्यादा सोक करता है। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से वो मिस हो गई। तो अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसकी वीडियो दिखाऊँगी। और ये देखिए दूसरी ये वीडियो है जो मैंने सुखा के इसको छांव में सुखा लिया था, भिगो के पानी अच्छे से निचोड़ लेना है फिर रख देना है। और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी तो उसके लिए सॉरी। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये जानकारी मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और अब मैं बताती हूँ कि मुझे इसको सॉइल में कैसे मिलाना है। ये देखिए मेरी सॉइल है जो मैंने आधी तसला पूरा ले लिया है। आप पास कोई भी नाप हो तो आप, जैसे अगर 2 डब्बा आपने सॉइल ली है तो उससे थोड़ा हाफ़ करके थोड़ा मिक्स करना है। और ये देखिए मैंने थोड़ी ले ली है इसमें मिलाने के लिए। ये बहुत अच्छी रहती है, मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ कुछ प्लांट्स पे तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा ठीक ठाक मिला। तो मैंने कहा ये वीडियो आपको भी मैं ज़रूर शेयर करूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए वंस अगेन, और कमेंट्स ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में आपसे पूछा था कि बताइए ये एक चीज़ क्या है जो मैं आगे वीडियो बना के दिखाती, तो मुझे किसी फ्रेंड ने कुछ जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं ख़ुद बता देती हूँ। ये है गोट मैनुअल, यानी कि बकरी की जो मैनुअल होती है, ये वो है जो मैं अपने एक फ्रेंड से लेकर आई हूँ। और मैंने कहा इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। मॉस रोज़ पे मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो ये अच्छी रही और काफ़ी फ्लावर्स का साइज़ भी अच्छा था। और ये वो सॉइल है, मैं इसमें अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी ही यूज़ करूँ। ये मैंने 3 चीज़ें इसमें मिक्स करी हैं और अभी कुछ भी नहीं मिलाया है। और ये मेरी विंटर की तैयारी हो रही है। और आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग, बाय।